नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप ही के चैनल मिस्टर अजमेर टेक्निकल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टाटा के आने वाले न्यू टाटा एस इलेक्ट्रिक वाहन के बारे में। तो दोस्तों एंड तक हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास लगे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि चैनल से आपको हर नई नई गाड़ी अपडेट कुछ तरीके से हमेशा मिलती रहे। दोस्तों आपने देखा होगा कि टाटा डीजल में आता है, पेट्रोल में आता है, आज हम बात करने वाले हैं सीधा सीधा इसके इलेक्ट्रिक वेरियंट के बारे में। दोस्तों तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके की के बारे में। तो आपको कुछ तरह की डबल यहाँ पर की मिलने वाली है। और दोस्तों अगर यहीं इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो 11 लाख रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है, जिसमें आपको इसमें सब्सिडी मिलने वाली है। उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और अब हम बात करेंगे इसके फ्रंट से। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी ऐसी हाइट बढ़ाई गई है, ताकि क्योंकि कंटेनर आप देख सकते हैं पीछे से थोड़ा बड़ा है। और कुछ तरीके मिलती है इसकी फ्रंट विंडो स्क्रीन और डबल आपको वाइपर्स मिलते हैं और डबल ही मोशन जेट आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। एक बार नज़र डाले इसके हेडलाइट सेटअप से तो आपको यहाँ पर हाई बीम में और लो बीम में हेलोजन बल्ब मिलने वाला। नीचे मिल जाती है पार्किंग लैंप्स, ऊपर आपको इंडिकेटर देखने को मिला वो भी हेलोजन बल्ब के साथ ही। एस की बेजिंग ब्लैक कलर ग्रिल आपको यहाँ मिलने वाली, इसमें छोटा सा टाटा का लोगो रहने वाला है। ईवी की इधर बेजिंग मिल जाती है आपको और बॉडी कलर आपको यहाँ पर इसका बंपर देखने को मिलेगा। कंपनी आपको यहाँ पर इसमें फोग लैंप्स के लिए जगह दे रही है। कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट यहाँ पर आप फिट करवा सकते हैं। ट्विन हुक के लिए कनेक्शंस यहाँ मिल जाते हैं, नंबर प्लेट के लिए जगह आपको, सिंगल हॉर्न मिलता है आपको। और ये बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशंस की, तो आपको यहाँ मिलते हैं रीगार्ड एक्सेल विद पैराबोलिक लिप स्प्रिंग सस्पेंशंस फ्रंट में आपको। कुछ इस तरह नज़र आता है इसका साइड प्रोफाइल्स। और यहाँ बात कर लेते हैं इसके टायर की, तो आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों 155R 13LT 8PR यानी कि 13 इंच के टायर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। फ्रंट में आपको इसमें डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और मैनुअली मिलते हैं इसके आउटसाइड मिरर आपको यहाँ पर, ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, की से भी आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं, साइटन इंडिकेटर और कुछ इस तरह का मिलता है। काफ़ी बिग साइज का इसका बड़ा कंटेनर चेसिस पर नज़र डाला, तो इस तरह का आपको नीचे चेसिस दिखाई देगा इसका। पीछे की बात की जाए तो पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक सिस्टम इसमें मिलने वाला है दोस्तों। और कुछ इस तरह का नज़र आता है इसका रियर लुक। पीछे की टेल यूनिट की बात की जाए तो आपको फिर स्टॉप लैंप और इंडिकेटर हेलोजन बल्ब के साथ मिल जाता है। इसके साथ कंपनी आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी इसमें ऑफर कर रही हैं। यह मिलते हैं आपको रिवर्स लैम्प, नंबर प्लेट के लिए जगह और नीचे ही देखने को मिलेगा इसका स्पेयर व्हील आपको। और इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको मिलता है लाइव एक्सेल विथ सेमी इलिप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशंस आपको मिलेगा इसमें रियर सस्पेंशंस में। और दोस्तों अब ओपन करते हैं इसके कंटेनर को। यहाँ से कुछ इस तरह का इसका लोग दिया गया है, जिसे आप ऊपर करके और उसके हैंडल को उठा के इसका कुछ इस तरीके से इसके कंटेनर यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके पेलोड क्षमता की बात की जाए तो 600 kg आप इसकी पेलोड क्षमता, मतलब 600 kg आप इसमें भरकर कहीं भी लेके जा सकते हैं दोस्तों। और 208 क्यूबिक फीट स्क्वायर इसकी कंटेनर लोड बॉडी मिलती है, जो कि काफ़ी मजबूत एल्यूमिनियम बॉडी है। और आप इसे अंदर से भी यहाँ से लॉक कर सकते हैं, दोनों तरफ सब ऑप्शंस मिलता है। आप बाहर से भी इसे लॉक कर सकते हैं, अंदर कोई बेटा है आप कुछ कर रहा हो तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। पीछे आपको हाई माउंटेन स्टॉप लैम्प यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक बार नज़र डाला इसके साइड से, यहाँ पर मिलती है आपको एक साइड की बैटरी और यहाँ पर अपना आप ये इस ईवी को चार्ज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके इसका लॉक है, जिसे खोल कर आप यहाँ पर अपना चार्जर पॉइंट लगा सकते हैं। एक इसमें मिलता है फास्ट चार्जर, जिससे कि आप 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं। और एक मिलता है इसमें इसका घरेलू बिजली से आप भी इससे चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें 6 से 7 घंटे लगेंगे आपको इसकी घर वाली बिजली में फुल चार्ज करने में। और 160 किलोमीटर की रेंज ये निकालता है दोस्तों। और कुछ इस तरीके से वापस इसे लॉक कर सकते हैं आप। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके यहीं पे डाइमेंशंस की, तो आपको यहाँ पर इसकी लंबाई मिलने वाली है 3800 mm और चौड़ाई मिलने वाली है 1500 mm और ऊंचाई मिलने वाली है 2635 mm। और यहीं अगर इसके व्हील बेस की बात की जाए तो 2100 mm का हायर आपको इसका व्हील बेस देखने को मिलेगा। और ग्राउंड क्लियरेंस की यहीं बात करें तो 160 mm का आपको यहाँ पर इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है टाटा SEV इलेक्ट्रिक 2023 वेरियंट की। दोस्तों ग्रोस वेट की बात की जाए तो 1840 की जिसका ग्रोस वेट है और पेलोड क्षमता मैंने बताया थी दोस्तों कि 600 kg इसकी पेलोड क्षमता है। टाटा SEV 21.3 kW बैटरी पिकअप चलता है और IP 67 वाटर प्रूफ रेटिंग के साथ आता है दोस्तों।
और मैंने बताया था दोस्तों कि हम आगे चल के प्राइस की बात करेंगे, तो मैं बात कर लेता हूँ प्राइस की। तो 11 लाख रुपए इसकी ऑन रोड प्राइस होने वाली है, जिसमें इसकी सब्सिडी मिलने वाली है आपको इसमें 1,25,000 की। मतलब वो आपकी गाड़ी ऑन रोड पड़ने वाली है कुल मिलाकर 9,75,000 में, 1,25,000 को आपको इसमें सब्सिडी मिल जाएगी दोस्तों वापस। कंपनी आपको यहाँ पर 3 साल या फिर 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी इसमें दे रही है। और ये सब आपको मिलने वाला है टाटा मोटर्स राठी ऑटोमोबाइल्स ब्यावर रोड अजमेर पर। दोस्तों एक बार यहाँ पर संपर्क जरूर करें अगर आसपास आपकी लोकेशन हो तो। 154 किलोमीटर की रेंज रहने वाली है फुल एक बार चार्ज करने पर। और अब चलते हैं इसकी ड्राइवर केबिन में अंदर की तरफ। यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको मिलती है ब्लैक कलर की डोर ट्रिम, मजबूत ग्रिप हैंडल, इनर हैंडल और विंडो रेगुलेटर हैंडल और पॉप लॉक सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बार गाड़ी स्टार्ट करने से पहले कुछ इस तरह इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जैसे एक बार जरूर पढ़ लें भाई लोगों। कुछ इस तरह की मिलती है इसकी स्टैंडर्ड सीट, वो भी हेड रेस्ट के साथ में। यहाँ से इसे आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं। पेडल्स, एयर वेंट और यहाँ पर मिलता है आपको 4-spoke स्टेयरिंग व्हील, हॉर्न्स। इधर आपको हेडलाइट वाले कंट्रोल्स मिलेंगे, इधर मिल जाते हैं इसके हेजार्ड के कंट्रोल्स, इधर आपको इसके वाइपर्स के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप करते हैं की ऑन और यहाँ पर देखेंगे इसका न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लू थीम में। ऑडोमीटर में ये रनिंग दिखा रहा है दोस्तों, 130 किलोमीटर रनिंग चल चुकी है। इधर इसका बैटरी बैकअप है, कितना चार्ज है ये, एन यानी न्यूट्रल पोजीशन में है अभी। वो SOC दिखा रहा अभी 71%। और यहाँ पर नीचे बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 वोल्टेज का कंपनी USB पोर्ट यहाँ पर चार्जर आपको इसमें देने वाली है। हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल्स, 2 एक्स्ट्रा स्विचेस आपको यहाँ मिलने वाले हैं। कंपनी आपको यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम्स लगवाने के लिए जगह दे रही है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवाना चाहते हैं यहाँ फिट करवा सकते हैं। और स्पीकर के लिए जगह दे रही है, यहाँ पर आप अपने स्पीकर भी फिट करवा सकते हैं दोस्तों। ये मिल जाते हैं लोकेबल आपको ग्लोव बॉक्स में, जरूर डॉक्यूमेंट्स आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। मजबूत ग्रैब हैंडल्स, साइड डोर ट्रिम और दोस्तों को पैसेंजर साइड भी आपको यहाँ पर हेडरेस्ट देखने को मिलेगा। ये आपको मिलते हैं होल्डर, कुछ भी मतलब ओनर मेनुअल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं अपनी। मैनुअल मिलते हैं इसके पार्किंग ब्रेक्स, और ये इसका है न्यूट्रल ड्राइव मोड और रिवर्स मोड। कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट करके अपनी गाड़ी आगे पीछे ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों। इसके चारों तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लैक पेनों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर मिल जाते हैं इसका चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका चार्जर है, जिसे आप अपनी घर के स्विच बोर्ड में लगाकर आसानी से अपनी टाटा SUV को चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। और एक बार इसकी ड्राइविंग सीट हम फोल्ड करते हैं तो आपको पीछे देखने को मिलेगा इसमें इसके टूल किट, रिफ्लेक्टर्स, ओनर मैनुअल और ये जेक वगैरह, ये सब आपको ड्राइवर सीट के पीछे ही मिलने वाला दोस्तों। और कुछ इस तरह का एक हुक्स भी मिल जाता है जिसमें कि कोई छोटा मोटा सामान अपना यहाँ आप कैरी कर सकते हैं। और एक बार नज़र डाले इसकी पूरी केबिन में तो पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर यहाँ पर होने वाला है। एक बार स्टीयरिंग की बात करें दोस्तों तो मैकेनिकल वेरिएंटेबल रेटियो स्टीयरिंग आपको यहाँ पर इसमें न्यू मॉडल में मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं इसमें लगी हुई पावरफुल मोटर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर मिलता है AC इंडक्शन मोटर, 0 tailpipes, 9 इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरी वाली मोटर जो 36 HP की पावर और 130 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करती हैं। क्लच फ्री और रियर व्हील ड्राइव आती है, ये सिंगल स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं। काफ़ी मजबूत हैवी मोटर जो कि एक बार चार्ज करने पर 154 किलोमीटर की ये रनिंग निकालेगी दोस्तों। हाँ तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये ऑल न्यू टाटा SUV 2023 का न्यू लेटेस्ट वेरिएंट, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर माई ऑल फ्रेंड्स।